ऐसा आपके साथ ज़रूर होता होगा, क्योंकि मेरे साथ तो होता ही है। जैसे ही लाइफ में कोई रिजॉल्व लो ना, जैसे ही कोई एक डिसीजन लो, एक फैसला करो कि अब से मैं गुस्सा कम करूँगा, मीठा कम खाऊँगा, ऑफिस से जल्दी आऊँगा, नेगेटिविटी थोड़ा सा कम कर दूँगा, किसी को गाली नहीं दूँगा, जैसे ही इस तरह के कोई भी पर्सनल डिसीजन लो, वैसे ही पता नहीं क्या होता है, आसपास ऐसी सिचुएशंस बनने लगती हैं कि हमारा ये डिसीजन टूट जाए। जैसे अगर किसी ने भी फैसला किया कि वो मीठा कम खाएगा, तो पता नहीं कहाँ से घर में मिठाइयों के डब्बे टपकने लगते हैं, चॉकलेट्स आने लगती हैं, घर में भी मीठा कुछ ज़्यादा ही बनने लगता है। ऐसा होता है ना, तो जहाँ वो शाहरुख खान का डायलॉग सच्चा है ना कि किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात जुड़ जाती है उसे तुमसे मिलाने के लिए, नॉट एग्जैक्टली लाइक द सेम वर्ड्स बट यही मीनिंग था उसका, वहाँ पे ये भी सच है कि अगर किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए निकलो ना, चाहे वो हम अपने अंदर हासिल करें या बाहर, वो जो मंजिल है जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं, उसका रास्ता बड़ा लंबा हो जाता है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा भी हो जाता है, रुकावटें आ जाती हैं बीच में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये सारी सिचुएशंस हमें तैयार कर रही होती हैं फाइनल मंजिल तक पहुंचने के लिए। मतलब हम फाइनली जब अपने उस गोल तक पहुंच जाएंगे, तो क्या हम उसे इंजॉय कर पाएंगे? वो जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, उन्हें रुकावटें मत समझिए, उन्हें पार कर सकते हैं। कैसे? इन तरीक़ों से। किसी भी रुकावट से डील करने के लिए सबसे पहले रियलाइजेशन की ज़रूरत है। रियलाइजेशन ये है कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी। रिमेंबर, इट्स नॉट गोना बी इजी। अगर ये हमें पता होगा कि मुश्किलें आएंगी ही आएंगी, तो हम बेहतर तरीके से उससे डील कर पाएंगे। हाँ, आसान तो नहीं होगा, बट इम्पॉसिबल थोड़ी है, असंभव थोड़ी है। हमारी लाइफ में वो चैलेंज आया ही इसलिए क्योंकि हम कर सकते हैं। सो रियलाइजेशन नंबर टू, हम कर सकते हैं। फोकस्ड रहना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, बुल्स आए, हमारा निशाना कहाँ पे जाना है, हमें वो याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जो हमारा ध्यान बटा देंगे, हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर आवर फोकस, वो कौन सी मंजिल है जो हमें अचीव करनी है। कॉन्स्टेंटली खुद को याद दिलाना होगा। हमारी ज़िंदगी में जो प्रायोरिटी लिस्ट है ना, उसको बदलना होगा। क्या हुआ? हमने अपना गोल सेट कर दिया। अरे, गोल सेट करने से थोड़ी ना होगा, उसके बाद हमें अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ को भी रीअरेंज करना होगा। जैसे अगर हमने सोचा है कि अब से हम ऑफिस से घर जल्दी आएंगे, तो शायद उस साल हमें ब्रिलियंट और एक्स्ट्रा वर्क के लिए प्रमोशन ना मिले। अब ये भी नहीं हो सकता कि प्रमोशन भी मिले और घर के अंदर भी प्रमोशन मिले, तो कहीं ना कहीं लाइफ को रीप्रायोरिटाइज करना होगा। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ही हम मंजिल के करीब आने लगेंगे, हमारे चैलेंजेस, हमारी परेशानियाँ बढ़ती चली जाएंगी। उसका जो लेवल है ना, वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे हम वीडियो गेम्स खेलते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4, तो जैसे ही हम मंजिल के करीब आने लगेंगे, अपने फोकस के करीब आने लगेंगे, अपने पर्सनल गोल के करीब आने लगेंगे, हमारी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जाएंगी, और उससे घबराना नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे, मंजिल तक तो हम पहुँच जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उन रस्तों से गुजरने में, क्योंकि वही हमने सबसे ज़्यादा सीखा होगा।